हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 10 मतलब MIUI 11 पे बेस एंड्रॉयड 10 के फीचर्स के बारे में। जैसे कि पता है कि Xiaomi की तरफ से एंड्रॉयड 10 का अपडेट बहुत जल्दी रोल आउट होने वाला है, लिस्ट भी आ चुकी है। इस एंड्रॉयड 10 में बहुत सारे डिवाइस शामिल है, रेडमी 7, रेडमी 8, बहुत सारे डिवाइसों को देखने को मिलने वाला है एंड्रॉयड 10 का अपडेट का फीचर। तो इसमें बहुत सारे टॉप फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो सारे फीचर आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप Xiaomi के यूज़र हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। 100 लाइक कटा रखते हैं वो आप आसानी से कर देंगे। तो सबसे पहले फीचर्स की ओर बढ़ते हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि सभी डिवाइसों को नहीं देखने को मिलेगा। कई कई एंड्रॉयड 10 पे कई कई डिवाइसों को ये फीचर देखने को मिलेगा। अब ये मेरे को नहीं पता Xiaomi का फैसला है, ठीक है, सारे डिवाइसों को ये फीचर नहीं देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर एक शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल जाता है टिकटॉक इमोजी का। जी हाँ, देख सकते हैं टिकटॉक इमोजी कैमरे के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये फीचर आपको एंड्रॉयड 10 के साथ देखने को मिलेगा, जैसे K20 प्रो के अंदर ये फीचर एंड्रॉयड 10 के साथ देखने को मिला। हालांकि नोट 8 प्रो लेटेस्ट डिवाइस है तो इसलिए एंड्रॉयड पाई पे इन्होंने दे दिया, लेकिन एंड्रॉयड 10 के साथ आपको ये देखने को मिलेगा। सारे डिवाइसों को नहीं, कोई कई डिवाइसों को देखने को मिल सकते हैं जो कि Xiaomi के पॉपुलर डिवाइसेज हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको एक म्यूजिक सेट करने का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जहाँ से आप म्यूजिक सेट भी कर सकते हैं और अपने डिफॉल्ट कैमरा से कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि पता है टिकटॉक पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो हो जाती है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं, आप यहाँ से रिकॉर्ड करके वहाँ पर टिकटॉक पर अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। अब इस फीचर की बात करो तो ये सभी यूजर्स को तो नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सभी यूजर्स को देखने को मिलेगा, कई कई डिवाइसों को देखने को मिलेगा, शायद तक नोट 8 को मिल जाए या नोट 7 प्रो को मिल जाए। अब ये Xiaomi का फैसला है किस किस को दे, तो K20 प्रो को दे दिया है तो हो सकता है नोट 7 प्रो को भी दे दे, नोट 8 को भी दे, ठीक है, तो एंड्रॉयड 10 के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो मिल जाता है आपको मोबाइल की सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर बात करें तो ये फीचर आपको पता होगा, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि होम स्क्रीन पर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल ऐप ड्रॉवर का फीचर देखने को मिलेगा। अब कई लोग बोलेंगे कि आप कहाँ पे सोए हो कि ऑफिशियल ऐप ड्रॉवर आ चुका है, लेकिन ऑल यूज़र्स के लिए अभी नहीं आया। तो मैंने 5 डिवाइसों में चेक कर लिए, मेरे में तो नहीं आया, तो ऑफिशियली ऑल यूज़र के लिए बहुत जल्दी आने वाला है ऑफिशियल तरीके से, जो कि एक स्टेबल अपडेट लगता है। तो ऐप ड्रॉवर का फीचर बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है आपको डिवाइस के अंदर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जिसमें आप ऐप ड्रॉवर चला सकते हैं और काफ़ी सारे इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप होम स्क्रीन में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं ऐप ड्रॉवर के अंदर, तो इसमें ऐप सजेशन को बंद ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैकग्राउंड के कलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से किस प्रकार का कलर चाहिए, किस प्रकार से आपको ये चाहिए, तो ये इस प्रकार का आपको फीचर देखने को मिलने वाला है Xiaomi की तरफ से। और यहाँ पे आइकन साइज एंड रीसाइज का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं आइकन्स को, तो ये फीचर आपको बहुत जल्दी ऑफिशियल तरीके से Xiaomi की तरफ से देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो डार्क मोड में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगा, सिस्टम फॉन्ट का ऑप्शन। जी सिस्टम फॉन्ट पहले आपको सेट थीम ऐप्स में देखने को मिल जाता है, अब इसका क्या होगा, जैसे कि सैमसंग या अदर डिवाइसों के अंदर सिस्टम के अंदर ही आपको फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिस्टम फॉन्ट आप सेटिंग में से ही आप फॉन्ट को चेंज कर पाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। टेक्स्ट साइज फॉन्ट विजिट को भी आप यहाँ से कर पाएंगे एडजस्टमेंट। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आ जाता है आपके नोच एंड स्टेटस बार, तो देखने को मिलता ही था, लेकिन यहाँ पे वैन डिवाइस इन VR बॉक्स का ऑप्शन एक और नया देखने को मिलेगा। तो ये फीचर बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉयड 10 के अपडेट के साथ। अगले फीचर की ओर बढ़ चलते हैं, तो यहाँ पर डार्क मोड तो आपको पहले ही देखने को मिलता था, लेकिन आपको ग्लोबल डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 10 के साथ, जो कि मोस्ट पॉपुलर फीचर है। देख सकते हैं जो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ग्लोबल डार्क मोड का फीचर एंड्रॉयड 10 के साथ आपको देखने को मिलेगा। ये ग्लोबल डार्क मोड ऐसा फीचर है जिसके अंदर आप क्या कहते हैं थर्ड पार्टी ऐप में भी डार्क मोड अनेबल कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप के अंदर या अदरवाइज जो भी ये सपोर्ट कराएगा ग्लोबल डार्क मोड, उन ऐप के अंदर आप थर्ड पार्टी ऐप में भी आप डार्क मोड ऑन कर पाएंगे, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसके अंदर आपको एक बैटरी के अंदर आपको अल्ट्रा पावर सेविंग का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। अब ये एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर अल्ट्रा बैटरी सेवर को ऑन करके अपने फ़ोन को 2 घंटे और यूज कर सकते हैं, मतलब सिर्फ बात करने के अंदर, मतलब आप कॉल पे बात कर रहे हैं, अगर इस मोड को अनेबल कर पाएंगे तो आपका 2 घंटे आराम से आप बात कर पाएंगे 5 या 10% बैटरी पे। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर आने वाला है, और ये फीचर जब भी आएगा जब Xiaomi अपने 11.1 सीरीज के तहत एंड्रॉयड 1 को रोल आउट करेगा। अगर एंड्रॉयड 10 आपको वैसे रोल आउट कर दिया जाए 11.0 के सीरीज के साथ, तो शायद तक ये फीचर आपको नहीं देखने को मिले, लेकिन उसका नेक्स्ट अपडेट आएगा 11.1 का, तो उसके साथ आपको अल्ट्रा बैटरी सर्वर का ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर होने वाला है। तो देख सकते हैं अल्ट्रा बैटरी सर्वर, इस प्रकार से आपको एनिमेशन देखने को मिलने वाला है।
नेक्स्ट फीचर की बोर भरते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये अब फीचर बहुत जल्दी आने वाला है। ये Xiaomi की तरफ से ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि AMOLED डिस्प्ले वाले को फीचर देखने को मिलेगा लीक के मुताबिक, लेकिन हो सकता है TFT को भी देखने को मिल जाए, क्योंकि इतना बड़ा फीचर नहीं है, AOD जैसा तो फीचर नहीं है, तो हो सकता है TFT डिस्प्ले को देखने को मिले। सबसे पहले AMOLED डिस्प्ले को ये फीचर देखने को मिलेगा, उसके बाद आपके सभी डिवाइसों को धीरे धीरे रोल आउट किया जाएगा। तो ये फीचर भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, कलर के अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलने वाली है। तो ये थे एंड्रॉयड 10 के टॉप फीचर्स के बारे में बताना था, जो कि अभी Xiaomi बहुत जल्दी रोल आउट करने वाला है अपने डिवाइसों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई, पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।